कांग्रेस राजनीति करती है ये तो पता था, ओछी राजनीति करती है ये भी पता था, लेकिन इतनी ओछी राजनीति करेगी ये पता नहीं था। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को भी कांग्रेस पार्टी ने एक राजनीतिक हथियार बना लिया सस्ती लोकप्रियता का। प्रियंका गांधी जी की बसें भेजने की मुहिम लगभग ऐसी लगती है, उनकी अपनी सरकार में राजस्थान में ऐसे हजारों लाखों प्रवासी श्रमिक पैदल चल दिए, उनको रहम नहीं आई। और केवल एक दिन नहीं, लगभग 15 दिनों से सिलसिला जारी है, और जिस तरीके से जो घटनाएं दिखती हैं होती हैं, निश्चित रूप से ये शर्मनाक है कांग्रेस के शासित राज्यों के लिए और कांग्रेस के नेताओं के लिए। अपने प्रदेश को तो संभाले, निर्देशित करती राजस्थान के मुख्यमंत्री को कि कोई भी श्रमिक न तो भूखा रहे न पैदल चले, लेकिन ये सीधी सीधी सी सियासी बात है। और अब गोल खुल गई क्योंकि कांग्रेस पार्टी खुद आसमान से जमीन पे आ गई, और इसीलिए बस की जगह वो टेम्पो पे आ गई, कार पे आ गई, थ्री व्हीलर पे आ गई, मोटरसाइकिल पे आ गई। ये कांग्रेस की सोनिया प्रियंका गांधी की कलई साफ तौर पर खोलती है कि किस तरीके की राजनीति वो लोग करते हैं। बिना परमिशन के केवल चंद गाड़ियां लेके बॉर्डर पे आके उनके नेता खड़े हो जाते हैं, लोगों को एक किस्म से प्रवोक करने की कोशिश करते हैं। और इस सारी मुहिम में आने वाले समय में इस बात का पता लगेगा कि किस तरीके से प्रवासी श्रमिकों के पैदल चलने को, भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। मुझे लगता है अभी भी समय है, संभल जाएं, इस तरीके की ओछी राजनीति नहीं करें, कम से कम मेहरबानी करके मजदूरों के नाम पे तो नहीं करें। और कल जो हुआ, जो सूची गई, तो सूची में जिस तरीके के नाम थे, मुझे लगता है कि इससे प्रियंका गांधी जी की और गांधी खानदान के राजनीतिक सोच का पता लगता है कि अभी भी कितने अपरिपक्व हैं कि उनको इस वैश्विक महामारी में ये सलाह कौन देता है, इस तरीके से आप बसें लगाइए। यूपी खुद सक्षम है, और जहां उनके प्रदेश हैं पंजाब और राजस्थान में, मुझे लगता है फिक्र कर लें तो गनीमत है। जब इनसे संपर्क किया तो परमिशन नाम की चीज नहीं, वो पर्सनल लेटर है जो निजी सचिव प्रियंका गांधी जी को लिखा गया है कि हमने जिला अधिकारी को निर्देशित कर दिया जाएगा। तो वो नोएडा और गाजियाबाद जिला जो अधिकारी है उनकी परमिशन हमको चाहिए, जिससे कि हम अपनी गाड़ियों का जो उनके कागज जो कह रहे हैं वो इंश्योरेंस के वो सब दिखा सके। लेकिन अभी तक कोई भी सूचना, या मैं इस पर खड़ा हुआ हूँ बाउंड्री पर, या कोई भी सूचना उनके द्वारा नहीं है। मेरे एसडीएम से मैंने संपर्क किया है तो एसडीएम ने बताया केवल उसी लेटर का हवाला दे रहे हैं जो कि निजी सचिव के रूप में प्रियंका गांधी जी के निजी सचिव को लिखा है। तो यहाँ जब तक कभी अभी ले जाके बंद कर देंगे गाड़ियों का कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? प्राइवेट सेक्टर की गाड़ियाँ हैं सारी। तो जब तक वो परमिशन, एक ऑथेंटिक परमिशन नहीं हो, जिला अधिकारी जो जिला कलेक्टर वहाँ का है वो परमिशन नहीं दे, तब तक हम इन बसों को कैसे रवाना करें?